बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कतर लिविंग अपडेट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कतर में नए प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हो रहे हैं। पहले भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने देखी है, उस पे मैंने मुकम्मल डिटेल से बताया था कि कौन कौन से प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी बायो में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिलेगा उस वीडियो का, आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो में बात करेंगे कतर के नए प्रोजेक्ट के बारे में जो रिसेंटली कतर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। उसमें दोहा मेट्रो को एक्सटेंड करने का भी प्रोजेक्ट है, जिसे ब्लू लाइन कहते हैं। ब्लू लाइन का नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो भाई मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी और बर वक्त पहुँच सके। वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा कि दोहा का जो दोहा मेट्रो का ब्लू लाइन का प्रोजेक्ट है वो कब स्टार्ट होगा। तो पहले मैं आपसे बात करता हूं कि भाई कमेंट सेक्शन में आके मुझसे कहते हैं कि भाई हमें जॉब चाहिए, तो आप हमें जॉब दे दें। तो भाई, हमारे पास किसी किस्म की कोई जॉब्स नहीं होती हैं, लिहाजा आप जॉब सर्च करना चाहते हैं तो फेसबुक पे जो जॉब्स ग्रुप हैं उनको ज्वाइन करें, उनमें आप ऐड हो जाएं, उन्हें ज्वाइन करें, विज़िट करें उन पेजेस का, वो जो ग्रुप्स हैं जॉब्स ग्रुप्स, वहाँ पे आप विज़िट किया करें, वहाँ से आपको जॉब्स मिल सकती हैं। तो बहुत सारे भाई जो कतर में हैं उन्हें पता होगा इस बारे में कि कतर के हालात आजकल कैसे हैं कैसे नहीं हैं। ये भी नहीं है कि 100% यहाँ पर काम नहीं है। बहुत सारे लोग टिकटॉक पे आके, यूट्यूब पे आके झूठ बोलते हैं, गलत खबरें आके शेयर करते रहते हैं कि बिल्कुल हालात ख़राब हैं, बिल्कुल काम नहीं है। ऐसा भी नहीं है, अगर आप लोग जॉब्स ढूंढेंगे, काम करेंगे, काम ढूंढेंगे तो आपको काम मिलेगा। रूम्स में बैठने से आपको बिल्कुल काम नहीं मिलेगा। कतर में दोहा मेट्रो चल रही है। आपको पता होगा कि इसका जो प्रोजेक्ट है बड़े अरसे से चल रहा था और 2019-20 में इसकी ओपनिंग हो गई थी। अब ये प्रोजेक्ट जो है मेट्रो, दोहा मेट्रो जो कतर रेल है वो चल रही है। जो भाई कतर में रह रहे हैं, जो पुराने अरसे से रह रहे हैं, उन्हें पता होगा ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा था, कब स्टार्ट हुआ था और इसमें कितना टाइम लगा था, और जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था तो उस वक्त काम की सिचुएशन क्या थी। तो दोस्तों, अभी कतर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कतर की जो रेल है, कतर रेल है जो दोहा मेट्रो है, इसको एक्सटेंड करके इसको मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा। तो इसको एक्सटेंड करने के लिए इन्होंने ब्लू लाइन का इजाफा किया है, जो मैप पे पहले भी शो कर रही थी ब्लू लाइन, लेकिन उसका काम नहीं हुआ था। तीन लाइंस का काम हुआ था, जिसमें रेड लाइन है, ग्रीन लाइन है और गोल्ड लाइन है। इन पे वर्किंग हो गई थी, इनका प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर दिया गया था और नया प्रोजेक्ट जो ब्लू लाइन है वो इसमें ऐड कर दिया जाएगा। दोस्तों, जो ब्लू लाइन का प्रोजेक्ट है वो वेस्ट बे से स्टार्ट होगा और हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा, उसका मैप पे वो रास्ता बताया गया है। तो दोस्तों, जो रेड लाइन है, रेड लाइन भी मज़ीद एक्सटेंड कर दी जाएगी। उसका जो प्रोजेक्ट है वो मिसाइद से अलखोर तक उसको ले जाया जाएगा। अगर मेरे भाइयों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी चीज़ के बारे में पूछना हो, क्योंकि हम लोग कतर में रह रहे हैं, मैं कतर में मौजूद हूं, क्योंकि मैं कतर के हालात से बखूबी वाकिफ़ हूं, तो अगर आप लोग कतर में हैं या कतर से बाहर हैं, कतर में आना चाहते हैं, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप लोग फ्रीली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में आके भी मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं हर वक्त हाज़िर रहूँगा आपको जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचा दें, ताकि मज़ीद दोस्तों को इस बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। तो मज़ीद वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्ला।